जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में अगेन। और गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ। और गाइस, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो भी कट ऑफ वगैरह है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फिजिकल की कंफर्म डेट कब से है और कितने बंदों को एक साथ दौड़ाया जाएगा रनिंग के लिए, और रनिंग हार्ड होगी या ईजी होगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दिए ताकि और भी अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा फिजिकल का डेट है, फिजिकल का डेट हमारा कब से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस जो हमारा फिजिकल है अग्निवीर जीडी का, वो 8 जून के बाद से एकदम करेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारा फिजिकल होने वाला है वो स्टेट वाइज नहीं होगा, बल्कि जो एआरओ वाइज है एआरओ वाइज होगा। और सबसे पहले गाइस जो हमारा राजस्थान का है उसका डेट आ चुका है, राजस्थान का फिजिकल पहले ही होने वाला है, जो कि 20 जून से लमसम या जो 8 जून का क्राइटेरिया है उसी के अंदर में राजस्थान का स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले राजस्थान का ही होगा। और गाइस अभी चलते हैं फिजिकल के, जो हमारा मार्क्स का है, मतलब जो हमारे फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ है मार्क्स का वो कितना था। तो गाइस जो हमारा फिजिकल के सिलेक्शन हुआ है उसका 40 मार्क्स का पासिंग मार्क्स रखा गया था, मतलब जिस बंदे के भी 20 क्वेश्चन सही होंगे उसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए किया जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका 20 क्वेश्चन तो सही है, उसके ऊपर अगर आपका सही होगा तो बात अलग सी बात है। अगर इसके बारे में बात करें कि जो ऑल इंडिया कट ऑफ जाने वाली है, तो गाइस वो जाएगी लमसम, अगर 100 के 100 फिजिकल आप मारेंगे तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर फिजिकल में आपके गड़बड़ी हो गई तो समझ लीजिए रनिंग में, मतलब पूरा फाइनल मेरिट में जो आपका कट ऑफ बनेगा उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और उसका जो एरिया बताया जा रहा है लमसम 160 से 170 मार्क्स का बताया जा रहा है, इसी में बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। जो हमारे फिजिकल के लिए बंदों का सिलेक्शन हुआ है ना, वो 90% बंदे सिलेक्ट किए गए हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हमारे फिजिकल में भीड़ होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, यानी कि पहले जैसे ही रहेगी। और जो रनिंग के बंदे दौड़ाए जाएंगे वो 300-400 के लगभग दौड़ाए जाएंगे, क्योंकि इतने बंदों को सिलेक्ट किया है तो छाटना भी उनको पड़ेगा ही। चुनाव का माहौल है इसलिए ज़्यादा बंदों को सिलेक्ट किया गया ताकि आगे चलकर उनको फ़ायदा मिल सके। गाइस ये थी कुछ जानकारियाँ, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।